सर, कल पुलिस के साथ अवैध शराब बेचने वालों की मारपीट का मामला है सर, क्या रहा मामला और कितने आरोपी गिरफ्तार हैं सर? कल जुलवाना थाना से एसआई राकेश मालवी और एक आरक्षक अरविंद यादव अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे ग्राम सांगवी खारी, जहां पे निहाल सिंह पिता सालम मोरे के घर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। वहां पे कुछ लोग शराब भी पी रहे थे। राकेश मालवी द्वारा निहाल सिंह से बोला कि आप अवैध रूप से शराब बेच रहे हो, इस पे आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह है, तो उसके द्वारा मना किया गया। जब हमारी पुलिस टीम द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान पुलिस कर्मियों के साथ में निहाल सिंह और उसके 8-10 साथियों ने पत्थरों से मारपीट की थी, जिससे दोनों कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई थी सिर में। दोनों कर्मचारी को सर अभी कहाँ भेजा गया? हमारे पुलिस कर्मियों के सूचना पर एफआईआर दर्ज की है। धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और दोनों पुलिस कर्मियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवाना में इलाज कराने पश्चात बड़वानी रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है और इस प्रकरण में अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी अभी सर फरार है? मुख्य आरोपी निहाल सिंह जो अभी घटनास्थल से फरार है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में अभी शराब पकड़ने के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, क्या कार्रवाई की गई? थाना जुलवानिया में दो अधिकारी हमारे गांव में शराब पकड़ने के लिए गए थे, शराब पकड़ भी ली थी। उसी समय वो जो आरोपी था उसने अपने साथियों के साथ मिल कर के पुलिस पे पथराव कर दिया था, जिससे हमारे दो कर्मचारियों के सिर में और अन्य जगह पर चोटें आई थी। उसमें हमने जो है धारा 307 और अन्य धाराओं में FIR करके उसमें कार्रवाई की है और 8 आरोपियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। राकेश मालवी कौन सा थाना का रहा? जुलवाना थाना। किस बात पे? एएसआई। क्या घटना हो गई? ग्राम सांगवी में दारू पकड़ने गए थे, वहाँ पे हमारे लोग पथराव करा। कितने लोग थे? लोग तो अंधेरा था, चारों तरफ से पत्थर देख रहे थे। मैं और एक जवान है, क्या नाम? अरविंद, अरविंद यादव। हाँ, जुलवानिया सरकारी अस्पताल में ले गए थे, वहाँ से फिर यहाँ रेफर करा।